सीरीज स्नो वाइट की कहानी। एक जगमगाती हुई सुहानी रात को बेबी हेजल अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी, पर जल्द ही उसे नींद आने लगी और वो सो गई। वो गहरी नींद में थी कि तभी अचानक तेज हवा के झोंके से खिड़की खुल गई। हेजल अपनी किताबें शेल्फ पर वापस रख रही थी कि अचानक एक किताब में से सुनहरी किरणें निकलने लगी। अभी वो समझ ही नहीं पाई थी कि क्या हुआ है कि तभी किताब में से जादुई किरणें निकली और उसमें से दो बौने बाहर आए। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हेजल, मैं हूँ ग्लटी। प्यारी लड़की, घबराओ मत, मेरा नाम है विटी और हम दोनों स्नो वाइट की दुनिया से आए हैं। हाँ, स्नो वाइट की दुनिया से? हाँ। कितना प्यारा फूल है। हेजल अब बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। वो विटी और ग्लटी के आश्चर्यजनक जादू से काफी प्रभावित और खुश हो गई थी। कितना प्यारा है ये, मुझे और भी जादू देखनी है। क्या तुम मुझे अपने साथ अपनी जादुई दुनिया में ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर तुम इतनी उत्सुक क्यों हो? मेरी दिली तमन्ना है कि मैं आप लोगों की रहस्यमय दुनिया में जाऊं और राजकुमारी स्नो वाइट से मिलूं। अब हम आगे कैसे जाएंगे? पर चतुर विटी के पास हर समस्या का हल था। Thank you.
हेजल एक छोटे से बादल के अंदर समा गई और एक बहुत ही प्यारी बच्ची बन गई। उसी जादुई दुनिया में एक महान राजा और रानी रहते थे। राजा और रानी को उनके महल में आने वाले एक नन्हे मेहमान का बहुत बेसब्री से इंतजार था। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। खुशी हुई कि आपको पसंद आया। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। ठीक है। मेरी प्रिय रानी, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। खूबसूरत है ये। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। मेरी तमन्ना है कि मेरी बेटी परियों से सुंदर हो, उसके ओठ गुलाब की तरह लाल और बाल काले घने हो। मेरी प्रिय रानी, मेरी भी यही ख्वाहिश है। इस प्यारी रात में गाते रहे हम, गाते रहे चांद के साथ, गुनगुनाते रहे गुनगुनाते रहे। महल में हर एक को जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ गई। बच्चे की किलकारी से पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। महल में स्वागत है नन्ही राजकुमारी। इस चांद के टुकड़े का हम क्या नाम रखें? मेरी प्यारी बेटी, हम इसे प्यार से स्नो वाइट बुलाएंगे। किसी की कदमों की आहट से लट्टी घबरा गया और गायब हो गया।
सुंदर। रानी ने राजकुमारी का कक्ष बहुत ही सुंदर सजाया है। हैरानी की बात है, महाराज ने कितनी जल्दी इस कक्ष को सजा दिया। इस बात से बेखबर कि ग्लटी ने कक्ष को सजाया है, राजा रानी ये सोचकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे कि उनमें से ही किसी एक ने सजाया है। दिन गुजरते गए, राजा रानी बहुत लाड़ प्यार से राजकुमारी की परवरिश कर रहे थे। साल गुजरते गए, स्नो व्हाइट ना केवल अपनी माँ की तरह सुंदर बल्कि अपने पिता की तरह बहादुर बनना चाहती थी। राजकुमारी घबराओ मत, मैं जानता हूं तुम मेरी बहादुर बेटी हो। अरे वाह, कैसी हो तुम जैस्मिन? मैं ठीक हूँ राजकुमारी, आपके लिए ये प्यारा सा तोहफा लाई हूँ। शुक्रिया जैस्मिन, कितना प्यारा है ये, कहाँ से लाई हो? मैं पड़ोसी राज्य के एक उत्सव में शामिल होने गई थी, बस वही मुझे ये मिल गया। हाँ? उत्सव? उत्सव के बारे में सुनते ही स्नो व्हाइट खिलखिला उठी। अच्छा तो मैं चलती हूँ राजकुमारी, फिर मिलती हूँ। अलविदा जैस्मिन। पिताश्री, क्या हम लोग भी उत्सव में जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सावधान, महाराज और राजकुमारी जल्द ही पधार रहे हैं। ये खबर सुनकर प्रजा फूली नहीं समा रही थी, परंतु एक बुढ़िया जो मिट्टी के मटके बना रही थी ये खबर सुनके आश्चर्यचकित रहेगी। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी। महाराज, पिताजी चलिए हम भी मिट्टी के मटके बनाते हैं। क्यों नहीं बेटा। महाराज, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी छोटी सी दुकान में आए। महाराज, जादूगरनी गुस्से से लाल हो रही थी। वो किसी भी कीमत पर राजा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। ये राजकुमारी, महाराज को कैसे आकर्षित करूं? Ha 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 ha!
यहाँ पर स्वादिष्ट आइसक्रीम खाओ। अरे ये दुकान भी आपकी है? जी राजकुमारी जी। राजकुमारी जी कौन सी आइसक्रीम खाना पसंद करेंगी? स्ट्रॉबेरी। धन्यवाद। राजा उसकी खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। स्नो व्हाइट अपने पिता को देखकर खुश हुई, परंतु उसकी ये खुशी सिर्फ पल भर के लिए थी। पिताजी, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम भूल गई, इनसे हम उत्सव में मिले थे और अब ये तुम्हारी सौतेली माँ है। ये बहुत अच्छी है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। मुझे पता है कि तुम बहुत निराश हो बेटी, मैं तुम्हारी माँ को कभी नहीं भूल पाऊंगा। कैसी हो स्नो व्हाइट? ठीक हूँ। इस पिंजरे में कैसा लग रहा है? देखा, मैं बन ही गई तुम्हारे राज्य की नई रानी, जो कि अब बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कैसे भूल सकती हो वो दिन जब मैंने तुम्हें कैद किया था? ये खिड़की खोलने की गुस्ताखी कौन कर रहा है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कक्ष में आने की? Thank you.
लगता है दरवाजे पर कोई है। मुझे जल्दी अपना जादुई रूप धारण कर लेना चाहिए। बहुत सारे असफल प्रयासों के बाद आखिर चतुर रानी ने जादुई मिश्रण तैयार कर लिया। बन ही गई मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी। अब हूँ मैं सबसे शक्तिशाली। मुझे ये जादुई मिश्रण संभाल के रख लेना चाहिए। हमारे राज्य में आपका स्वागत है। हाँ, ये फूल तो तुम्हारी ही तरह सुंदर है। रानी माँ, इन पंछियों को आपने क्यों कैद किया हुआ है? मेरी प्यारी बच्ची, क्योंकि ये पंछी मुझे बहुत ही प्यारे हैं। रानी माँ, क्या मैं इन्हें अपने पास रख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। जादुई शीशे, मुझे बता कौन है सबसे खूबसूरत? आप ही हो सबसे खूबसूरत। ये बातचीत हमारे दोनों राज्यों के लिए लाभदायक साबित होगी। ओ, कितनी खूबसूरत है ये। ये है मेरी प्यारी बेटी स्नो व्हाइट। ओ, कितनी खूबसूरत है ये।
ऐ जादुई शीशे मुझे बता, कौन है सबसे खूबसूरत? रानी साहिबा, आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अब स्नो वाइट की सुंदरता आपसे बहुत बढ़कर है। रानी साहिबा, क्या आज्ञा है आपकी? जेफरी, ध्यान से सुनो, तुम्हें स्नो वाइट को इतनी गहरी नींद में सुलाना है कि वो कभी ना उठ पाए। और हाँ, इस बात का मुझे सबूत चाहिए कि वो गहरी नींद में चली गई है। पर राजकुमारी, जैसा आपका हुक्म रानी साहिबा। मुझे माफ कर दो राजकुमारी, मैं तो बस आपकी सौतेली माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरी माँ वो ऐसा नहीं कर सकती। राजकुमारी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने राज्य को छोड़कर कहीं दूर चले जाइए। जाइए राजकुमारी, भाग जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है पिंजरा खोलने की? मासूम जानवरों को इस तरह कैद नहीं करना चाहिए। स्नो वाइट अपने नन्हे दोस्त को न पाकर घबरा गई। क्वेरी कहाँ चली गई है? तुम जाओ और अपने दोस्तों को ढूंढो, इसे तो मैं देखता हूँ। चलो दोस्तों, क्वेरी को ढूंढते हैं। कैसे हो मेरे नन्हे प्यारे दोस्त? हमें अंदर जाकर देखना चाहिए, स्क्वेरी वही होगी। स्नो वाइट अंदर दाखिल हुई और देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये छोटा सा घर बाहर से सुंदर और अंदर से काफी गंदा था। कितनी सारी धोने वाली प्लेट्स पड़ी है। हाँ? कितने छोटे बिस्तर हैं? 7 बिस्तर, 7 प्लेटें और 7 कुर्सियां। पता नहीं कौन रहता होगा इस घर में। कितनी धूल मिट्टी है यहाँ, चलो इसे साफ करते हैं। हाँ,
शुक्रिया स्क्वीरी। कौन है ये लड़की? ये यहाँ पर कैसे आई? ये हमारे बिस्तर पर क्यों सोई है? पर ये कितने सुंदर है। देखो देखो, उसने हमारा घर भी साफ कर दिया है। हाँ, अब हमारा घर सुंदर लग रहा है। बच्ची कौन हो तुम? हमारे घर में क्या कर रहे हो? मैं हूँ स्नो वाइट। मेरी सौतेली माँ मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती थी, इसलिए राज्य छोड़कर मैं जंगल में आश्रय की तलाश में आ पहुँची। कोई बात नहीं, तुम जितना चाहो उतना यहाँ पे रहो। हाँ क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हें हमारे लिए रोज स्वादिष्ट खाना बनाना पड़ेगा। मैं खुशी से आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। आप सबको मेरा नाम तो पता है, पर आप सबका नाम क्या है? मेरा नाम है ग्लटी। मैं हूँ टेस्टे। मैं ट्राउजी हूँ। मैं हूँ विट्टी। मैं हूँ बिट्सी और ये है इट्सी। नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ बिट्सी और ये है इट्सी। छोड़ो उनको, मैं हूँ टिंसी। स्नो व्हाइट ने खुशी खुशी अपने नए दोस्तों के लिए लजीज खाना भी बना लिया। खाना तैयार है। ब्लडी रुको, हम प्रार्थना करना भूल गए। हाँ, हाँ, हाँ। सॉरी। कितना स्वादिष्ट खाना है। उधर राजमहल में जादूगर की रानी अपने आप को शीशे में निहार रही थी कि तभी जेफरी वहाँ पे आ पहुँचा। महारानी, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने स्नो व्हाइट को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया है। जादुई शीशे, बता कौन है सबसे खूबसूरत? रानी साहिबा, आप बहुत सुंदर हैं, मगर बौनों के घर रहने वाली स्नो व्हाइट की सुंदरता आपसे बहुत बेहतर है। झूठ बोला। Thank you.
एक गहरी नींद में सोने के लिए तैयार हो जाओ स्नो वाइट। याद आती है पिताजी। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं। स्नो वाइट और प्रिंस एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़े ही प्यार से झूला झूल रहे थे। तुम कितनी सुंदर हो। मुझे जाना होगा। रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे बहुत ही मोहित कर दिया है। क्या तुम मेरी रानी बनना पसंद करोगी? मुझे बहुत खुशी होगी। Lavender blue, dilly dilly, lavender green. I am your king, dilly dilly, you are my queen. Lavender green, dilly dilly, lavender blue. You are my love, dilly dilly, oh I love you, oh I love you, oh I love you. राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। ठीक है स्नो वाइट, मुझे जाना होगा। जंगल के सारे जानवर घर के पास आराम कर रहे थे, तभी एक तेज हवा के साथ उड़ने वाली छिपकली पर सवार होकर जादूगरनी वहां पहुंच गई। क्या कोई इस बूढ़ी औरत को एक ग्लास पानी दे सकता है? बूढ़ी औरत हूँ, पास के जंगल में ही रहती हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे एक ग्लास पानी दे सकती हो? हाँ जरूर। शु
शुक्रिया बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मुझे ये एहसान चुकाना होगा। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। ले लो बेटी, ये सेब बहुत ही मीठा है। नन्हे दोस्त? हाँ हाँ, वो ठीक है, ये लो तुम दूसरा सेब खा लो। जैसे ही स्नो व्हाइट ने सेब खाया वो बेहोश होने लगी। अब मुझसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। क्या हुआ है इसे? हे ईश्वर, अब स्नो व्हाइट कभी भी नहीं उठेगी। चलो स्नो व्हाइट को शीशे के पेड़ पे सुलाते हैं, वो उसमें बहुत सुरक्षित रहेगी। बोनो ने स्नो व्हाइट को शीशे के बेड पे लेटा दिया। वो बहुत ही दुखी थे और उसके पास बैठे रो रहे थे। ये यहाँ क्या चल रहा है? राजकुमार, जादूगर रानी ने स्नो व्हाइट को नुकसान पहुंचा ही दिया। अरे ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। स्नो व्हाइट जाग जा, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। ये क्या है? ये जादुई सेब है, मुझे पता है ये कहां से आया है। स्नो व्हाइट को नींद से जगाने का मेरे पास एक अच्छा तरीका है। प्रिंस बहुत ही उदास थे, वो चुपचाप बड़ी ही उम्मीद के साथ बोनो की तरफ देख रहे थे। प्यार के साथ इस दिल को चूमो, स्नो व्हाइट पुनर्जीवित हो जाएगी। स्नो व्हाइट, तुम्हें क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ याद है? मुझे याद है, मेरी सौतेली माँ ने मुझे धोखा दिया और मुझे जादुई सेब खिलाया। तुम्हारी सौतेली माँ को उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा स्नो व्हाइट।
वहाँ राजमहल में महाराज अपनी प्यारी बेटी के लिए बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि बहुत दिन बीत जाने के बाद भी स्नो वाइट की कोई भी खबर नहीं थी। मेरे बेटी के बारे में कुछ पता चला? नहीं महाराज, हमने राजकुमारी को पूरे राज्य में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। महाराज, हम दोनों जादूगर हैं और हम बहुत दूर से आए हैं। महाराज ने सोचा कि क्या पता इनके जादू से उनके बेटी के बारे में कुछ पता चल जाए। अरे वाह, चलो देखते हैं तुम्हारे जादू का कमाल। महाराज, हम जानते हैं महारानी सौंदर्यता के लिए हमेशा उत्सुक होती हैं। हाँ हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही। हे महान राजा, ये तो सिर्फ छोटा सा नमूना था। हमारे जादू सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है, जिसे देखकर आप हमें जरूरी नाम देंगे। महाराज, क्या हम इनका अद्भुत जादू देख सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। धन्यवाद, चलो तुम्हारा जादू देखते हैं। जी बिल्कुल रानी साहिबा। राजा और रानी अपनी शाही बग्घी में बैठकर दोनों जादूगरों के साथ खुले मैदान की तरफ रवाना हो गए। हे महारानी, आप अपना घूंघट हटा लीजिए, नहीं तो जादू काम नहीं करेगा। जाने दो उसे महारानी, हम दोनों जादू शुरू करते हैं। तुम दोनों ने मेरी रानी को क्या बना दिया है? पिताजी, ये जादू कर दी है और मुझे हानि पहुंचाना चाहती थी। जादुई मिश्रण उसे सुंदर बना के इसका असली चेहरा छुपाता है। नहीं! आखिरकार जादूगरनी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल गई। उसके जादू का असर खत्म हो गया और असली रानी को भी बचा लिया गया। स्नो वाइट की माँ अपने असली रूप में आ गई। वो अपनी माँ को पाकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अंत में वो दिन आ गया जब राजकुमार ने स्नो वाइट के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। स्नो वाइट ने खुशी खुशी राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और पूरे धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। Lavender blue, dilly dilly, lavender green, I am your king, dilly dilly, you are my queen. Lavender green, dilly dilly, lavender blue, you are my love, dilly dilly, oh I love you. Oh, I love you.